पहल तमाम अर्जी व समावी आफात से बलियात से हम सब को और अहले पाकिस्तान को हिफ्स व अमान अता फरमा। आमीन। या अल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन पर अपनी रहमतों बरकतों नेमतों और वसाइले रिज़्क से मामूर बारिशों का नुज़ूल फरमा। आमीन। या अल्लाह इन बारिशों में जो तबाहियां हैं बर्बादियां हैं हलाकतें हैं सैलाब हैं उनसे पूरे अहले पाकिस्तान को निजात अता फरमा, अपनी आफियत और सलामती अता फरमा। या रब्बल आलमीन जितने लोग बीमार हैं कोरोना वायरस के नतीजे में या दीगर अमराज में, या अल्लाह सब बीमारों को अपने फजल व करम से शिफाए कामिला नसीब फरमा, शिफाए आजिला नसीब फरमा। और जितने हमारे साथ शरीक की दुआ हैं, ए अल्लाह तेरे फजल व अता से हम सब की जो हयात मुकद्दर है उसे सेहत व सलामती के साथ नसीब फरमा, खैर व बरकत के साथ नसीब फरमा, इज़्ज़त व आबरू के साथ नसीब फरमा, फराखी व कुशादगी रिस्क और रोज़गार के साथ नसीब फरमा। और या अल्लाह तंगी जिस्म तंगी जान तंगी माल और तंगी हालात से अपनी पनाह अता फरमा। इस वक्त आप ये मनाजिर देख रहे हैं। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ज़ेर सदारत, जिसके बाद ज़िलहज का चांद नज़र नहीं आया, ऐलान कर दिया गया है ईद उल अज़हा 1 अगस्त को होगी। इस वक्त आप ये मनाजिर देख रहे हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान, जो कि इस वक्त मीडिया को आगाह कर रहे हैं इजलास की कार्रवाई के बाद।